झूठी तो बोलते हैं। कौन झूठ बोल रहा है? मोदी जी। मोदी जी तो आपकी जो स्मृति जी है वो नहीं ना झूठ बोलती है? तो पक्की झूठी है, पक्की झूठी है। के आने पे अमेठी का नाम 20 साल पीछे चला गया। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बूथ पे वहाँ खड़ी हो जाएंगी गिनती कराने, तो कोई धरती पैदा नहीं हरा सकता है। अरे मशीन यहाँ लगा हुआ है, जात यहाँ ही है। उनको मालूम है कि हम 150 नहीं आएंगे, तो एक रूमर चलाया जा रहा है कि 400 पार को लोग भ्रमित करने के लिए, 400 पार नहीं 40 पार होना मुश्किल हो जाएगा। काम दिख रहा है आपको? काम क्या दिख रहा है, जिस देश की 80 करोड़ आबादी राशन पर डिपेंड हो सरकार के, वहाँ काम दिखेगा? उनके लड़के जो है BCCI के जो है सचिव हो गए हैं, काका क्रिकेट का काका काकाहरा नहीं जानते हैं वो BCCI सचिव हो गए। वहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा है। जितने कांग्रेस के चोर थे आज वो सब BJP में आ गए। अब वो साफ हो गए वॉशिंग मशीन की तरह। अब सबसे भ्रष्ट पार्टी तो BJP हो गई ना, दे देना चाहिए त्याग पत्र। केवल वॉशिंग मशीन की तरह आइए साफ हो जाइए। चोला बदल के गए हैं। जिसके गरीब घर के लड़के जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख कर जो है पेपर आउट हो जा रहा है जगह जगह। ठीक, हम BA TET बेरोजगार हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी अमेठी में मौजूद हूँ। अमेठी जो है अपने आप में हॉट सीट बताई जा रही है, और भैया जो है वो आलू चिप्स, क्या बोलते हैं भैया इसको, फिंगर मोमोज, रोल, मंचूरियन, फास्ट फूड की दुकान है ये। हाँ। तो बताइए सरकार का काम कैसा लग रहा है? सरकार का काम बढ़िया है जो है। हाँ। इस समय तो अमेठी में कौन आ रहा है? लोग कह रहे हैं कि इधर से भरेंगे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी टक्कर में है कि स्मृति ईरानी जी? अब तो पहले तो पर्चा तो भरने दीजिए, तो देखा जाएगा दोनों को। हाँ। अभी तो पहले नामांकन नहीं किए हैं, तो वो तो लड़ रही है ना स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी लड़ रही है, वो तो अपना माहौल बना रही है। अब राहुल गांधी आए माहौल बनाए तो देखा जाएगा। अभी तो कोई टक्कर कितना ही है, क्योंकि अभी जब अगला पक्ष में नहीं है तो कहाँ से कर देंगे। हाँ। जब दोनों पक्ष में आएंगे तभी कांटेदार लड़ाई होगी, अभी कोई बताया नहीं जा सकता। हाँ। क्योंकि ये राजनीति है, कब कहाँ पलट जाए, कब किसका समय बदल जाए, किसी कोई कहा नहीं जा सकता। स्मृति जी का काम कैसा लगता है? स्मृति ईरानी का भी काम अच्छा है। हाँ। अब जो किए हैं अच्छा किए हैं। क्या किए हैं अब देखा जाएगा भाई। अब उन्होंने बाईपास भी बनवाया है। हाँ। ककवा रोड का भी काम किया है। हाँ। अब आने वाले समय में और भी काम करेंगी, अब देखा जाएगा। कहते हैं कि अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। जी बिल्कुल है। तो गलती से एक बार जीत गई है, जीतने का माहौल नहीं है ऐसा? नहीं, जीतने का माहौल भी है, नहीं हो सकता ये तो। अभी जब तक का हमने कहा राहुल गांधी पर्चा नहीं भरेंगे तब तक का नहीं होगा। हाँ। जब पर्चा भरेंगे तब। क्या लगता है स्मृति ईरानी जी का कामकाज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं, अच्छा है। हाँ। अब देखा जाएगा, अब कोई आए तो विपक्ष में तो देखा जाएगा कौन अच्छा है कौन नहीं। अभी तो फिलहाल अच्छी है, वो आ रही है, हर हफ्ते आ रही है, हर तीसरे दिन आ रही है। कहाँ आ रही है? अमेठी आ रही हैं। अब अमेठी आवत यहाँ, जिस दिन यहाँ आएंगे उस दिन देखेंगे। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं लड़का? कह रहा है बहुत काम किए हैं स्मृति ईरानी जी, एकदम क्षेत्र में इतना विकास कर दिए कि कोई टक्कर में बचा नहीं है। अब नहीं टक्कर वक्कर तो अब की बार फिर से भाजपा सरकार, क्या कहेंगे? ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि अब हर बार जबरदस्ती तो नहीं हो सकता। राहुल गांधी सरकार कहाँ आ रहे हैं? झूठ की थोड़ी सरकार बनानी है। झूठी तो बोलते हैं। कौन झूठ बोल रहा है? मोदी जी। मोदी जी तो आपकी जो स्मृति जी है वो नहीं ना झूठ बोलती है? तो पक्की झूठी है। तो पक्की झूठी है। काहे भैया? काहे क्या काम किया अमेठी में 5 साल? वो देखिए भैया, क्या भैया बाईपास और बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या बोले थे? ककवा रोड बाईपास राहुल गांधी की देन है, उनकी देन नहीं हो, पहले से सेक्शन था ओवर ब्रिज राहुल गांधी की देन। एक काम अच्छा बता दीजिए अमेठी में जो नया लाई हूँ बात स्थापित। तो भाई बता रहे हमारा स्मृति ईरानी जी बनवाई है, जानकारी नहीं है। नहीं है अभी? सही बता रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं भैया? आपकी दुकान तो पहले से होगी, आम जनता सही बताती है, आप बताइए। देखो हम लोग तो कांग्रेस, पता नहीं क्या पता किसका लिंक कहाँ से जुड़ जाए। नहीं नहीं हम लोग नेता नहीं है, हम लोग आम नागरिक है। अच्छा, जनता इतनी त्रस्त है कि अब डर मारा कुछ बोल नहीं रही है, बस यही जान डर मारे। किसका डर है? प्रशासन का डर है, दबाव है, बुलडोजर का। बता रहे थे 13 रुपए किलो अमेठी में चीनी बिकेगी, बिकी? सिलेंडर 500 में तो सर पे रखी थी, कहाँ है सिलेंडर आज? कितने में बताएंगे आप? अब दिखाइए उसको ना कि कितने में सिलेंडर है। सब झूठे झूठ बोलना है, कहाँ सही बोलना है? अभी डर रहे हैं भाई, सब डर ही रहे हैं। राहुल गांधी आ जाएंगे तो क्या होगा?
राहुल गांधी हैं तो अपने खुले अभी आएंगे नहीं आएंगे, लोग बुरा भी बन के बैठे, इसलिए डर रहे हैं लोग। हाँ आदमी डरा हुआ है, लेकिन जब आएंगे तो एक दूसरा की सपोर्ट मिल जाता है तो बोलने के उसको अपने दिल की बात कहता है। पूरे देश में कितने जिले हैं? 26 में है ना? नहीं अभी नहीं, जब तक कि हमारी सरकार नहीं गठित होगी तब तक नहीं बोले, तब तक नहीं। शेर चुप्पे तुम लगाए बैठा हुआ है, शेर घात लगा के बैठा हुआ है, देख लेते एकदम खड्ढा पड़ा है। सिलेंडर जब पूरे इंडियन स्मृति ईरानी लेकर उस पर बैठ कर रोड पे धरना दिए थे, आज 1000 का सिलेंडर हो गया तो आज नहीं बैठ रही हैं। अब कोई नहीं बोल रहा, अब नहीं बोल रही हैं, नहीं वो सिलेंडर पे बैठ के भूख हड़ताल पे दी थी आंदोलन, दिल्ली में दी थी, अरे कुल पूरे देश में घूमी थी सिलेंडर मोड़ पे लेके, प्याज लेके और लहसुन प्याज लेकर। अब नहीं दिखा रही हैं कि हमारे यहाँ क्या महंगा है भैया, उनके आप बैठी है हमारे सबके चले चाहे दिन चले। कह रही हम इतना काम किए हैं भैया, कि क्या गरीबों को लेकर काम किए हैं? राहुल गांधी थे तो 250 रुपए बिजली बिल आता था, मोदी जी हुए 700 रुपए गांव में आ रहा है, 800 मीटर लगवा के सबकी जेब खींच रहे हैं। बताइए आप, बताइए अमेठी से कोई भी ट्रेन गुजरती थी तो यहाँ खड़ी होती थी, आज 17 ट्रेनें ऐसी है जो डायरेक्ट चली जा रही है। संजय गांधी की देन थी, अभी बोल रहे हैं सनातनी अभी वैष्णो देवी की नई ट्रेन चली है, अमेठी में कोई भी जगह नहीं रुक रही पूरे जिले में और डायरेक्ट चली जा रही है। तो आप चाहते हैं अमेठी में भी रुके? अमेठी में रुके, हम चाहते हैं कि हमारे अमेठी का जैसे नाम था वैसे रहे। इनके आने पे अमेठी का नाम 20 साल पीछे चला गया, नाम के लिए लोग मरते हैं। क्या भैया, वो कह रही हमने इतना काम किया है। काम किया, आप भी तो घूम रही हैं, सब आ ही नहीं सकती, आप भी तो घूम रही हैं, देखिए क्या काम हुआ है। हमारे यहाँ टिपर आईटीओ वगैरह जो थी यहाँ पे, जहाँ टिकर माफी में था वहाँ कम कम 3-4 हजार लोग दुकानदार वगैरह कमा खा रहे थे, बच्चे थे दूर से आते खर्चा करते थे, रोजी रोटी लोगों को चलता था, वो सब बंद हो गया। अब टिपर आईटीओ से जानते रोजगार चला गया लोगों का। अभी संजय गांधी अस्पताल जो था विवादित में आ गया, उसको भी बंद हो गया, तो उसमें बहुत कहा, कोर्ट के आदेश से खुला। अब संजय गांधी इतना बड़ा अस्पताल, वहाँ हर गरीब पहुँच जाता है, नज़दीक पैसा लगता हो या कैसा भी लगता हो, लेकिन उसके बंद हो जाने से लोगों कितनी पड़े, कितने लोगों को वहाँ पर मर के भी गए उस दौरान, क्यों भर्ती थे उनको निकाला गया, रोज इलाज होता था। अब जब निकाला गया तो कहाँ लेके भागे, क्योंकि किसी के ग्लूकोज चढ़ा है, किसी कुछ चढ़ा था, उसमें जहाँ जहाँ गए लोग पीड़ित रहे। हम अपनी वाइफ के ऑपरेशन कराए थे, उसी डॉक्टर से कराए थे, सफल था, लेकिन जब दवाई के लेने गए तो पता लगा वहाँ बंद है। अब फिर हम लोग कहूँ वो दवा मिलती नहीं, जो डॉक्टर लिख देते हैं दूसरी जगह मिलने नहीं आती थी, बहुत दिक्कत हुई थी। अब फिर वही निपड़ा चल रहा है कि बंद, इसको बंद करने के संजय गांधी वाला लोग कह रहे हैं। बाबा यही कहा था भैया, कहा गलत कहा था। हाँ। कहा कह रही हैं आप इधर आइए, रोड जाम ना हो जाए। कह रही हम गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं भाई, राशन दिए हैं हम, 2000 रुपया दिए हैं। राशन तो कांग्रेस भी देती थी, 2 रुपए किलो देती थी, लेकिन जीएसटी का पैसा लेती थी आम आदमी से, 100 रुपए पर डे एक आदमी जीएसटी दे रहा है और 5 किलो राशन के लिए। अरे वो राशन ना दें, जीएसटी बंद कर दें, हम लोगों को सस्ता वैसे मिलेगा। क्या काम किया है अमेठी के लिए बताएं, एक काम काम नहीं दिख रहा भैया। अमेठी इस बार अब हम वो बता रहे हैं, अमेठी इस बार इतिहास फिर से लिखने जा रहा है। हाँ। अमेठी इस बार फिर इतिहास लिखने जा रहा है, आप देखिएगा। हाँ। राहुल गांधी पिछली बार भी नहीं आ रहे थे। हाँ। अगर वो गिनती कराए होते। हाँ। आज फिर मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बूथ पे वहाँ खड़ी हो जाएंगी गिनती कराने, कोई धरती पैदा नहीं हरा सकता है। पिछली बार भी नहीं हारे थे, इस बार भी नहीं हारेंगे, लेकिन हम लोग पिछली बार हार गए, छोटा कार्य हराए थे नेता वर्ग का। कैसे हराए? अरे मशीन यहाँ लगा हुआ, यहाँ जात यहाँ यहाँ तो का करे क्या हो? आप जिसकी लाइटी उसकी। हाँ, उनको हराया गया था, उनकी सरकार थी हर जगह। उस समय जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के पास ही तो लाठी थी यहाँ से। कहाँ थी भाजपा सरकार? केंद्र प्रदेश में केंद्र सरकार उनकी है, प्रशासन उनके हाथ में है। आप ये बताइए, संसद थे लेकिन गलती
लगता है, सरकार ही नहीं थी। गलती उनकी ये थी कि अपना वोट तुम लड़ रहे हो तो अपना वोट कौन गिनवाएगा। अभी कहां लाठी ना कमजोर हुई है ना भैंस कमजोर हुई है, नहीं नहीं में वही है। मैं कराऊं वो मौके पर रहने से जिस जो लड़ रहा है वो रहे वो लड़ेगा अपना, छोटा कार्यकर्ता वहाँ लाठी थोड़ी चलाएगा, वो तो देख रहा गलत हो रहा क्या कर सकता है। लेकिन जो इलेक्शन लड़ रहा है वो खड़ा हो गिनती अपना कराए कि मैं हार रहा हूँ कि जीत रहा हूँ। दो दिन पहले कैसे खुल जाता है। आपकी नवो आई है तब 3 लाख के ऊपर है, कौन बेईमानी करी है? 10-20 हजार पे बेईमानी हो जाती है, 50 हजार हो जाएगी क्योंकि 3-4 लाख कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है क्या? हाँ बड़ा बदलाव, प्रदेश बदला होगा इस बार, पूरे उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं चाचा, 400 पार है इस बार। वो पार इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि हम 150 नहीं आएंगे, तो एक रूमर चलाया जा रहा है 400 पार को लोग भ्रमित करने के लिए, 400 पार नहीं 40 पार होना मुश्किल हो जाएगा इस बार। क्योंकि मंदिर फैक्टर में नहीं काम करेगा, राम मंदिर में राम मंदिर एक दिन दर्शन करने जाएंगे, खाने मेरे बच्चे नहीं आएंगे भैया, सारा एक बार दर्शन हमारे घर में मंदिर है, इनके घर में भी है, सब दिल में बसे। राम मंदिर का श्रेय जो है हम सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, हम अपने आप को देते हैं, हमारे चंदे से बना है, इनके चंदे से नहीं बना है, भाजपा के चंदे से बना हो राम मंदिर, वो सुप्रीम कोर्ट की देन है, हमारे चंदे से राम मंदिर बना है, ट्रस्ट ने बनवाया है, इन्होंने नहीं बनवाया है, इसको चला दे। आपके श्रेय से नहीं होता है ना, वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम दुनिया को लाए हैं, राम कौन ला सकता है, ये भगवान हो गए हैं, राम तो दुनिया को लाए हैं, अब ये कहते हैं हम राम को लाए, राम कौन लाने वाला पैदा था धरती पे, कौन ला सकता है, राम ने हमको लाया है, राम इनको लाया है, राम दुनिया को लाया है, राम कोई ला नहीं सकता है, अहंकारी ला सकता है जुबान से, वो ला नहीं सकता। भगवान शंकर को रावण ने लाने गया था, नहीं ला पाया लंका, भगवान शंकर को तपस्या करके शंकर जी को लाने गया था कि मैं लंका ले जाऊंगा, नहीं ले आ पाया, तो इनको इतना घमंड हो गया है, राम को लाएंगे मंदिर नहीं बना उसमें स्थापित कर दिए, पर जाइए दिखाइए इतना चैनल। आप बोलिए भैया क्या लग रहा है अमेठी में? अमेठी में गांधी परिवार जीतेगा। कह रही हैं स्मृति जी कि जितना जैसे पिछली बार हराए थे अब की भी हरा देंगे, इसीलिए कोई आ नहीं रहा है टक्कर में, ये सब कहने वाली बात है, राजनीति में ऐसे कोई बात नहीं होती, ठीक है जनता का फैसला हो, जनता का फैसला को मानना पड़ेगा। कुछ तो काम दिख रहा है आपको? काम क्या दिख रहा है, जिस देश की 80 करोड़ आबादी राशन पर डिपेंड हो सरकार के, वहाँ काम दिखेगा? वहाँ 80 करोड़ लोग यहाँ राशन 5 करोड़ राशन पर जो है वोट दे रहे हैं, तो यहाँ जो है वही 80 करोड़ सर माना चाहिए प्रधानमंत्री को, जहाँ की 80 करोड़ आबादी राशन पर जो है चल रही है। राशन मिल रहा है तो क्या गलत हो जा रहा है भाई, गरीब मिल जा रहा है तो हम गरीब रहेंगे, हरदम गरीब रहेंगे, हम लोग खत्म करिए, हरदम क्यों रहिए, काम करिए, रोजगार मिलेगा, काम करिए, हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, रोजगार है, रोजगार है, जो पकड़ के खड़े हैं वो भी रोजगार है। नहीं नहीं नहीं, यह वो तो अमित शाह के लड़के भी जो है पकौड़ा बेचे तो वो भी रोजगार है, उनके लड़के जो है BCCI के जो है सचिव हो गए हैं, काका क्रिकेट का काका काकाहरा नहीं जानते हैं वो BCCI सचिव होंगे, वहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा है, अब कांग्रेस के समय परिवारवाद चलता था, जितने कांग्रेस के चोर थे आज वो सब BJP में आ गए, अब वो साफ हो गए हैं वॉशिंग मशीन की तरह, एकदम साफ हो गए हैं, अब सबसे भ्रष्ट पार्टी तो BJP हो गई ना, दे देना चाहिए त्याग पत्र, केवल वॉशिंग मशीन की तरह आइए साफ हो जाइए, चोला बदल के गए हैं भैया। नहीं नहीं नहीं, चोला बदल करने से क्या बात है, जनता देख रही है, जनता भी जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में मार पूरा सब कुछ हो गया है, मंदिर से पेट नहीं भरना है, मंदिर भगवान सबके हैं, भगवान पर आस्था पर विश्वास जो है कुटरघात नहीं करना चाहिए, ठीक है मंदिर बन गया अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बन गया अच्छी बात है, बताइए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस वो राज्यसभा सदस्य आ रहे हैं, अब न्याय कहाँ मिल रह गया है, क्या कहीं गरीब जनता न्याय पा सकती है, केवल दिखावा रह गया है कि जनता को भ्रमित करते रहो, अंदर से लिंक लगा के जो है जज को एक दूसरे को सेटअप करना है, तो बदलाव होगा क्या? बदलाव 100% है, 4 वर्षों पार नहीं 150 पार भी मुश्किल हो जाएगा, जनता हाँ जनता जो है समझ रही, जनता भी जान रही कि अब लोग कैसे चलते हैं, खाली अमेठी पर हार जाने से 400 पार नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, अमेठी की जनता अमेठी जान रही है, जान गई, अब जनता भी समझ रही है, 10 साल और साल कर लिए बहुत ज्यादा, 5 साल अगर पा जाए उसी के लिए परेशान है, कुर्सी के लिए सब परेशान होते, ये भी परेशान हो गई है, हाँ जनता जान रही, जिसके गरीब घर के लड़के जो नौकरी नहीं पा रहे हैं, पढ़ लिख कर जो है पेपर आउट हो जा रहा है जगह जगह, ठीक हम BA TET बेरोजगार हैं,
ठीक, 83 नंबर वाला लड़का नौकरी कर रहा है जो बी एड 2011 की भर्ती में, और 115 वाला रोड पर टहल रहा है। तो आप बताइए कि जब जो है वहाँ समानता के अधिकार मूल अधिकार का हनन हो गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर बैठा है, तो कहाँ न्याय रह गया? न्याय वह नहीं रह गया, न्याय तो जो है कांग्रेस के समय था। अच्छा। हाँ, वहाँ मीडिया स्वतंत्र थी, वहाँ मीडिया चल लेती थी। अब तो सब, अब 70 साल से इतना कांग्रेस वाले लूटे हैं ना अमेठी को कि अब 70 साल भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। स्मृति जी बोल रही है, हमसे ज्यादा ना बोलावा। हाँ, कह रहे हैं स्मृति जी बोल रही हैं कि अमेठी का इतना विनाश किया है कांग्रेस वालों ने। जनता पूछिए, दुकान वालों डर मार नहीं बोलेंगे। क्यों? आम जनता पूछिए जो रोड पे आते जा रहे हैं। तो दुकान वालों को किस बात का डर है? बुलडोजर का और क्या, अब लगाए हैं दुकान बेचारे, दो पैसा कमा रहे हैं। तो अगले दिन यहाँ बोलेंगे बुलडोजर आ जाएगा। स्मृति जी टाइट रखी है क्या व्यवस्था? कह रहे हैं बोलने पे बहुत टाइट व्यवस्था है, हम आगे चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको ये मिजाज बताने आए हैं कि आजमगढ़ की जनता, अमेठी की जनता जो है वो किस तरफ जो है मूड बना रही है। एक बार स्मृति रानी जी बार बार ये कहती है कि हमने अपने क्षेत्र में इतना काम किया है कि इस बार जनता का जो जनाधार है वो हमारी तरफ है।